गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम इन योर कंप्यूटर क्लास। हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फंक्शंस, रिटर्निंग वैल्यूज फ्रॉम फंक्शंस, यानी कि फंक्शन से वैल्यूज को कैसे रिटर्न करना है। फंक्शंस इन पाइथन मे और मे नॉट रिटर्न अ वैल्यू। जो फंक्शन होते हैं पाइथन में, वो वैल्यू को रिटर्न भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। देयर कैन बी ब्रॉडली टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस इन पाइथन। फंक्शन दो तरह के होते हैं, एक तो फंक्शंस रिटर्निंग सम वैल्यूज़, वो फंक्शन जो वैल्यूज़ को रिटर्न करते हैं, इनको नॉन वॉइड फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू, ऐसे फंक्शन जो वैल्यू को रिटर्न नहीं करते हैं, वॉइड फंक्शन कहते हैं। नॉन वॉइड फंक्शन क्या होते हैं? द फंक्शन दैट रिटर्न सम कंप्यूटेड रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ अ वैल्यू फॉल इन दिस कैटेगरी। मतलब ऐसे फंक्शन जो रिजल्ट कैलकुलेट करने के बाद कुछ वैल्यूज़ को रिटर्न करते हैं, वो नॉन वॉइड फंक्शन की कैटेगरी में आते हैं। द कंप्यूटेड वैल्यू इज़ रिटर्न यूजिंग रिटर्न स्टेटमेंट। और जो कंप्यूटेड वैल्यू होती है, वो रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू रिटर्न कराया जाता है। इसमें रिटर्न और फिर वैल्यू दिया जाता है। ओके, यहाँ पे हम लोग आगे एग्जांपल देते हैं। द वैल्यू बीइंग रिटर्न कैन बी वन ऑफ द फॉलोइंग। जो वैल्यू रिटर्न किया जाता है, वो इनमें से कोई एक हो सकता है। या तो वो लिटरल हो सकता है, या फिर वो कोई वेरिएबल हो सकता है, या फिर वो कोई एक्सप्रेशन हो सकता है। जैसे रिटर्न 5 है, ये एक लिटरल है। रिटर्न ए है, ये एक वेरिएबल है। रिटर्न ए प्लस बी बाई सी, ये एक तरह का एक्सप्रेशन है। तो इन तीनों में से किसी एक तरह की वैल्यू को वो रिटर्न कर सकता है। सपोज आपने कोई फंक्शन बनाया है, जैसे डेफ। डेफ क्या है? कीवर्ड है विच इज़ यूज फॉर डिफाइनिंग अ फंक्शन, जो कि फंक्शन को डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। सम फंक्शन है, इसमें दो पैरामीटर्स हैं एक्स और वाई। ये क्या करेगा? कैलकुलेट करेगा। यस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये क्या कर रहा है? एक्स और वाई की वैल्यू को टोटल करके और यस में स्टोर कर रहा है। एंड आफ्टर स्टोरिंग इट विल रिटर्न एस, और उसके बाद रिजल्ट को ये रिटर्न कर रहा है। ये है आपका फंक्शन। फंक्शन के बाद आता है मेन फंक्शन का पार्ट। मेन फंक्शन को डिफाइन नहीं किया जाता है, बट वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। ओके, रिजल्ट। रिजल्ट इक्वल सम, यानी कि सम फंक्शन को कॉल किया गया है। और इसमें क्या वैल्यूज़ पास किए गए हैं? 5, 6। ओके, फिर प्रिंट रिजल्ट इज रिजल्ट, और इस रिजल्ट को यहाँ पे प्रिंट करा दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से इस फंक्शन में हो क्या रहा है? इस फंक्शन में ये सम फंक्शन है, और इसमें कैलकुलेट करके और वैल्यू को रिटर्न करा रहा है। ठीक है, रिटर्न एस। ठीक है, आगे देखते हैं वॉइड फंक्शन। द फंक्शंस दैट परफॉर्म सम एक्शन और डू सम वर्क बट डू नॉट रिटर्न एनी कंप्यूटेड वैल्यू और फाइनल वैल्यू टू द कॉलर आर कॉल्ड वॉइड फंक्शंस। ऐसे फंक्शन जो कुछ एक्शन परफॉर्म करते हैं, बट वे रिटर्न कुछ रिटर्न नहीं करते हैं, यानी कि वहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटेड वैल्यू और फाइनल वैल्यू टू द कॉलर आर कॉल्ड वॉइड फंक्शन, और ऐसे फंक्शन को वॉइड फंक्शन कहते हैं। वॉइड फंक्शन में और मे नॉट हैव अ रिटर्न स्टेटमेंट, और ऐसे फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट नहीं भी होता है और होता भी है, बट वो रिटर्न कुछ नहीं करता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे है डिफ, def, ये कीवर्ड यूज़ किया जाता है फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। ग्रिड फंक्शन है, और इसमें क्या प्रिंट कर रहा है? हेलो, बट यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट को यूज़ नहीं किया गया है। ठीक है, दूसरा है डिफ qute, गुडनेस काउंट्स रिटर्न है, बट क्या रिटर्न कर रहा है ये पता नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों ही वॉइड फंक्शन के एग्जांपल्स हैं।
आगे बढ़ते हैं। Another void function with no return statement, यहाँ भी आप देख सकते हैं diff greet one है, name क्या है, पैरामीटर है, प्रिंट हेलो कामा नेम। अब void function with return statement, इसमें कोई return statement यूज़ नहीं किया गया, अब return statement के साथ करेगा। diff कीवर्ड है, प्रिंट सम ए बी सी थ्री पैरामीटर्स पास किए गए, प्रिंट सम इज ए प्लस बी प्लस सी रिटर्न। रिटर्न स्टेटमेंट को बस यूज़ किया गया है बट वो रिटर्न कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। फिर है द void फंक्शन, द void फंक्शन डू नॉट रिटर्न अ वैल्यू बट दे रिटर्न अ लीगल एम्प्टी वैल्यू ऑफ पाइथन दैट इज नन। Every void function return value none to its caller. जैसे void function जो होते हैं do not return a value, वो कोई value return तो नहीं करते हैं but वो एक legal empty value को return करते हैं python में, जिसको हम लोग none कहते हैं, none कहते हैं, ठीक है। Every void function returns value none to its caller, और जब भी हम कॉल करते हैं इस void फंक्शन को तो ये हमेशा नन रिटर्न करता है। जैसे एग्जांपल दिया गया है def ग्रेट फंक्शन है, प्रिंट हेलो है, ठीक है, ये फंक्शन डिफाइन कर दिया गया बट इसमें कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं यूज़ किया गया है। a इज़ इक्वल टू ग्रेट है, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, प्रिंट a है, ठीक है। अब आउटपुट में आप देखिए हेलो हेलो प्रिंट किया, यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ नहीं किया गया है, यहाँ प्रिंट ए दिया गया है, ये नन को रिटर्न कर रहा है, ठीक है। ओके, अ void फंक्शन समटाइम्स कॉल्ड नॉन फ्रूटफुल फंक्शन, void फंक्शन को कभी कभी नॉन फ्रूटफुल फंक्शन भी कहा जाता है। रिटर्न लीगल एम्प्टी वैल्यू ऑफ पाइथन दैट इज नन टू इट्स कॉलर, जो कि नन स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कोड वन है, कोड टू है, रिप्लिकेट फंक्शन है, डिफाइन किया गया है, प्रिंट कर रहा है डॉलर 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 एंड प्रिंट रिप्लिकेट, इस रिप्लिकेट फंक्शन को कॉल किया जा रहा है और ये चूँकि प्रिंट इसमें जो फंक्शन यूज़ किया गया है रिप्लिकेट फंक्शन के अंदर जो प्रिंट, तो वो प्रिंट तो किया बट एक्चुअली जो यहाँ पे इस फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं, तो जब हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो वो नन रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अब है इस साइड हम देखेंगे रिप्लिकेट वन है, रिटर्न डॉलर 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 साइन है, यहाँ पे रिप्लिकेट है। अब जब हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो ये रिटर्न कर रहा है, ये तो यहाँ पे रिटर्न कर रहा है, नन नहीं आ रहा, ठीक है, ये होता है। फिर है रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज़, मल्टीपल वैल्यूज़ की मतलब एक से अधिक वैल्यूज़ को वो रिटर्न करता है। टू रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज़ फ्रॉम अ फंक्शन यू हैव टू इंश्योर द फॉलोइंग थिंग्स, जब आप मल्टीपल वैल्यूज़ को एक फंक्शन से रिटर्न करते हैं तो आपको कुछ चीज़ों के बारे में ध्यान देना होता है, वो क्या है। द रिटर्न स्टेटमेंट इनसाइड अ फंक्शन बॉडी शुड बी ऑफ द फॉर्म गिवन बिलो, वो इस फॉर्मेट में हो सकता है, जैसे रिटर्न वैल्यू वन हो सकता है, ठीक है, वैल्यू टू हो सकता है, या फिर वेरिएबल हो सकता है, एक्सप्रेशन हो सकता है, ठीक है, वैल्यू वन वेरिएबल या फिर एक्सप्रेशन, वैल्यू टू वेरिएबल या फिर एक्सप्रेशन टू हो सकता है, इस फॉर्म में हो सकता है। वेल आगे देखते हैं, द फंक्शन कॉल स्टेटमेंट शुड रिसीव और यूज द रिटर्न वैल्यू इन वन ऑफ द फॉलोइंग वेज, जो फंक्शन कॉल स्टेटमेंट होता है ये कुछ वैल्यूज़ को रिसीव करता है, ठीक है, शुड रिसीव
और यूज द रिटर्न वैल्यू इन वन ऑफ द फॉलोइंग वेज, वो इस तरह से रिटर्न करता है, जैसे यहाँ पे स्क्वायर्ड फंक्शन है एक्स वाई जेड, ठीक है, रिटर्न कर रहा है एक्स इंटू एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर, वाई इंटू वाई यानी कि वाई स्क्वायर, जेड इंटू जेड यानी कि जेड स्क्वायर। अब इसमें क्या वैल्यू पास की जा रही है, 2, 3, 4 और प्रिंट टी किया गया। तो जब ये फंक्शन कॉल किया जा रहा है, ठीक है, तो 2x को पास हुआ, 3y को पास हुआ और 4z को पास हुआ और ये कैलकुलेट कर रहा है। आप देखिए एक से अधिक वैल्यूज़ हैं x, y, z, ठीक है, 3 पैरामीटर्स हैं, 3 वैल्यूज़ पास की गई हैं और 3 रिजल्ट्स ये रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये रिटर्न करता है। आगे बढ़ते हैं।